रोहतास जिले के इंद्रपुर स्थित जेम्स स्कूल के हॉस्टल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के विरुद्ध मृतक छात्र आदित्य के दोस्तों ने आक्रोश मार्च निकाला तथा स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए तत्काल हॉस्टल व हॉस्पिटल को बंद कराने की मांग की। वहीं सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। दरअसल छात्रों का कहना है कि इंद्रपुरी स्थित जेम्स इंग्लिश स्कूल के हॉस्टल में छात्रों की मौत हो रही है, जिससे वह दहशत में है, लेकिन स्कूल प्रबंधन इसे मामूली घटना बताकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ ले रही है। पिछले साल भी संदिग्ध परिस्थिति में छात्र की मौत हुई थी, जिसमें बताया गया था कि छात्र को सांप ने काट लिया था। इस बार भी जब छात्र की मौत हुई तो बताया जा रहा है कि छात्र के कान के पास किसी विषैले जंतु ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं छात्रों के समर्थन में उतरे भाजपा नेता व जन कल्याण मोर्चा ने भी छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। रिपोर्ट न्यूज 24 लाइव। क्या डिमांड क्या है आप लोगों? हम लोग को हॉस्टल बंद करवाना है, हॉस्पिटल भी। भैया एक जो अभी नहीं है क्या डिमांड निकाला, क्योंकि हमारे स्कूल कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। पिछली बार जो मौत हो गया था जिसकी वजह से उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज ठीक करनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से एक और मौत हो गया। अब हम लोग इसलिए क्या डिमांड निकाले क्योंकि हम लोग को जस्टिस चाहिए। हर बार ऐसे होते रहेगा तो कैसे चलेगा। स्कूल प्रबंधन ने भी लापरवाही बरती है, इसमें क्या कहोगे आप? हम कहना चाहते हैं कि हॉस्टल को बंद कर देना चाहिए या हॉस्पिटल को। यहाँ जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो वेल नॉलेज नहीं है उनके पास, फिर भी बच्चे को अपने अपने पास इतने कह के कि हम ठीक कर लेंगे गारंटी लेते हैं, इसलिए उस हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए क्योंकि एजुकेटेड डॉक्टर नहीं है। फिर कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी बच्चे को ठीक करने के लिए? बच्चे को सोम मार की रात 12:30 बजे 2 बजे के तक करीब काटा हुआ, किया कोई काटा, बच्चे को 2 बजे हॉस्पिटल ले गया, पर 2 से 5 के बीच में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था हॉस्पिटल में। आखिर डॉक्टर गए कहाँ? 2 साल से ये घटना हो रही है, पिछले साल भी एक लड़के के साथ हुआ, तो पिछले साल भी यही हुआ था, डॉक्टर नहीं थे। जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि जिस सांप ने आपको काटा है उस सांप को पकड़ के लाइए। क्या चल रहा है यहाँ हॉस्पिटल है क्या है? यहाँ फैसिलिटी सही नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं जिस हॉस्टल में बच्चे को काटा है उस हॉस्टल में वो हॉस्टल बंद करवा दीजिए। पिछले साल भी वही हॉस्टल में हुआ है। क्या कहेंगे आप? हमको कहना है कि जेम्स में लगातार इस तरह की घटनाएं होती है, लगातार होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा के तरफ से मुझे अंचल पर ही बैठना होगा, तो मैं इसके समर्थन में अंचल पर बैठूंगा और इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूं और डीएम से मांग करता हूं कि जेबा कुमार की गिरफ्तारी हो और इस बच्चों को न्याय मिले। और इस तरह की घटनाएं बार बार होती है। मैं इस घटना के साथ खड़ा हूँ और जेबा कुमार की गिरफ्तारी का मांग डीएम से करता हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूँ कि जेबा कुमार की गिरफ्तारी हो और इस घटना की जांच हो। ये घटना निंदनीय है।